नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स नाइन स्पोर्ट्स और मैं हूं आपके साथ प्रतीक मिश्रा। भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने पाकिस्तान दौरे की याद ताज़ा करते हुए पुरानी बातों को शेयर किया। उन्होंने पाकिस्तान में खेलने के अनुभव को साझा किया, साथ ही एक चुभने वाली घटना भी याद की। इरफान ने बताया कि पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियादाद के बयान ने उनके पिता को दुखी किया था। इरफान ने एक चैनल के साथ हुई बातचीत में खुलासा किया कि मियादाद के बयान से उनके पिता को काफ़ी ठेस पहुँची थी। भारत ने साल 2003-04 में सौरव गांगुली की कप्तानी में पाकिस्तान का दौरा किया था। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच जावेद मियादाद थे और उन्होंने कहा था कि इरफान जैसे गेंदबाज पाकिस्तान की गली गली में मिलते हैं। इस बयान को सुनने के बाद इरफान के पिता बेहद दुखी हुए थे और वो मियादाद से मिलना चाहते थे। वो चाहते थे कि टेस्ट मैच खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम में जाकर उनसे मुलाकात करें। इरफान ने बताया, मुझे याद है जावेद मियादाद ने ऐसा कुछ कहा था कि पठान जैसे गेंदबाज पाकिस्तान की हर गली में मिलते हैं। ऐसे में मेरे पिता और मैंने इस न्यूज़ को पढ़ा था। यह पढ़ने के बाद हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि आखिरी मैच में मेरे पिता मैच देखने आए, पाकिस्तान आए थे। वो मेरे पास आए और कहा, मैं पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में जाना चाहता हूँ, मियादाद से मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। जैसे ही मेरे पिता को मियादाद ने देखा, वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मैंने आपके बेटे के बारे में कुछ भी नहीं कहा। मेरे पिताजी, उनके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। उन्होंने कहा, मैं यहाँ आपको कुछ कहने के लिए नहीं आया, मैं तो बस आपसे मुलाकात करना चाहता था। आप काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स के लिए प्रतीक मिश्रा की रिपोर्ट।